तो मैंने पहले जेट लीजेंड 2 की अपडेट बताया था गोजीटा और एमयूआई गोकू के बारे में, जो इनके मूव्स और अटैक पे काम किया जा रहा है उनके बारे में मैंने बताया था। तो आज मैं फिर से नए अपडेट लेके आ गया हूँ इस जेट लीजेंड 2 के, जो कि बहुत सारे अपडेट्स आए हुए हैं, एक एक करके बात करने वाले हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ब्लू बजीटो के बारे में। तो जेट लीजेंड 2 के वर्जन 4.0.0 में हमें ब्लू बजीटो का हमें न्यू इंट्रो देखने को मिलेगा, जो कुछ ऐसा दिखता है। और सिर्फ इंट्रो ही नहीं बल्कि हमें कामी हामी हावी देखने को मिलेगा। और बस इतना ही नहीं बल्कि हमें एक न्यू स्टेज देखने को मिलेगा, जो कि इस तरह दिखता है। जेट लीजेंड 2 का न्यू वर्जन में हमें ये वाला स्टेज देखने को मिलेगा। बस जेट लीजेंड 2 के डेवलपर ने ना, मतलब करेक्टर के स्टेप और मूव से अटक देने की जगह ना, उन्हें न्यू करेक्टर आने की जरूरत है। लेकिन फिर भी हमें करेक्टर नहीं मिलेंगे नहीं देखने को, सिर्फ उनके मूव्स और अटक देखने मिलेंगे जो नए हैं। चलो अब बात करते हैं सबसे अमेजिंग अपडेट के बारे में, जो कि है इंटरफेस। इंटरफेस पूरा चेंज कर दिया गया है, आप देखते अपने स्क्रीन पे। और इसमें एक नया ऑप्शन है, जैसे कि न्यूज़ का ऑप्शन आया है इसमें नया, और गोटी बैटल का भी यहाँ पर नया ऑप्शन मिलता है हमें। गोटी बैटल के अंदर हमें 1v1 और 2v2 और ट्रेनिंग मोड देखने को मिल सकता है। तो आप इंटरफेस देख सकते हो कितना चेंज आ चुका है नए वाले में पुराने वाले में से। और जेट लीजेंड 2 में एक नया मोड लगा 3v3 का, जो अभी तक नहीं आया था इस गेम के अंदर, अब वो आ चुका है। शायद इससे बढ़िया रहता है फ्री बैटल, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा रहता है। उसमें हम 4v3 भी कर सकते हैं, 2v1v, तो वो ज़्यादा काफ़ी अच्छा रहता। जो इसका स्टोर ऑफ पेज है वो चेंज कर दिया है, उसका इंटरफेस कुछ इस तरह का है। इसमें देखते हो आप इसकी जो एबिलिटीज़ है वो छुपा रखी है लॉक करके, मतलब। तो बात करते हैं रिलीज डेट की। पहले बात करते हैं इतना टाइम क्यों लग रहा है इस गेम को रिलीज़ होने में। इसमें काफ़ी सारे चेंज हुए हैं, जैसे कि कैरेक्टर के मूव्स अटैक पे, और काफ़ी सारे इंटरफेस चेंज हुए हैं, तो इसे काफ़ी हार टाइम लग गया अपने चेंजेस लाने में। जेट लीजेंड 2 के वर्जन 4.0 में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे। लेकिन काफ़ी सारे चेंजेस अब कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इसका रिलीज डेट की कोई आता पता नहीं है। मुझे कंफर्म नहीं पता इस रिलीज डेट कौन सी होने वाली है। अगर इसके सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं तो ये गेम पॉसिबल है कि इस महीने में रिलीज हो जाए, क्योंकि सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं इसके, जैसे कि स्टेज, इंटरफेस और करेक्टर के मूव्स और अटैक। तो ये सारे चेंजेस कंप्लीट हो चुके हैं, तो शायद इस महीने ये गेम रिलीज़ हो जाए। तो ये थे सारे अपडेट इस गेम के। आपको कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।